अगर मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री को इंडिया की सबसे बेस्ट सिनेमा इंडस्ट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक तो यह इतनी कम बजट और कम रिसोर्स में इतनी अच्छी मूवीज बनाकर देते हैं कि विश्वास ही नहीं होता। और शायद कम बजट होने की वजह से ही यह लोग अपनी स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं। अगर आपको इस बात पे डाउट है तो आप हाल ही में आई यह तीन मलयाली मूवी देख सकते हैं। पहली तो 2018 जो अभी भी सिनेमा घरों में लगी है, दूसरी रोमांचम जो कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी, और तीसरी मलिकापुरम। और अब मलयालम सिनेमा भी लैंग्वेज के बाउंड्रीज को क्रॉस करके पैन इंडिया फिल्म बनाने के रेस में लग गई है। तो हाल ही में हमें एक मलयालम पैन इंडिया मूवी का टीजर देखने को मिला जिसका नाम है आर्म, जिसे खुद अनवील किया है ऋतिक रोशन ने। और इस टीजर को अगर एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो वो होगा मास्टरपीस। टीजर में इतने प्यारे प्यारे शॉट्स दिखाए गए हैं कि आपको लगेगा कि टीजर इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गया, इसे और लंबा होना चाहिए। टीजर देखकर ऐसा लग रहा है कि टोविनो थॉमस जो कि लीडिंग एक्टर है इस मूवी के, वो तीन रोल प्ले कर रहे हैं जो कि केरला के गांव के खजाने को बचाने की कोशिश करेंगे। टीजर की सिनेमाटोग्राफी लाजवाब है, जो फायर एक्शन सीन्स है वो ओवर द टॉप लगते हैं, और जो लास्ट में टोविनो थॉमस का लुक दिखाया गया है वो बहुत ही ज्यादा डेडली लगता है। और इसका BGM चेरी ऑन द केक का काम करता है, जिसे कंपोज किया है दीबू निनान थॉमस ने। आर्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जितिन लाल, और इस मूवी का अभी रिलीजिंग डेट नहीं बताया गया है, तो हो सकता है हमें काफी लंबा इंतजार करना पड़े इस फिल्म के लिए। तो अगर आपने इसका टीजर देखा है तो आपको टीजर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।